जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह एग्री कमोडिटीज़ यानी कृषि फसलों का बाज़ार किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो हमने देखा है कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में एक बड़े से दायरे में कारोबार हो रहा है, जहां पर रिफाइंड सोया ऑयल निचले स्तरों के आसपास यानी 1210 1220 पे सपोर्ट ले रहा है, एंड एट द सेम टाइम ऊपरी स्तरों यानी 1260 से 70 के बीच रेजिस्टेंस है। तो रिफाइंड सोया ऑयल का बाज़ार जो है इसी दायरे में कारोबार करेगा। तो इस दायरे के एक्सट्रीम एंड्स यानी निचले स्तरों के करीब जब प्राइसेस आती हैं तो वहाँ पर तेज़ी की संभावना बनती है। एट द सेम टाइम ऊपरी स्तरों के आसपास यानी 1260-70 के बीच सेलिंग की जा सकती है। वहीं हमने CPO में भी देखा है कि 1100 के करीब प्राइसेस कंसोलिडेट करके दो या तीन बार हमने रैलीज भी आते हुए देखी है। तो ऐसा लगता है कि ये एक सपोर्ट बेस है डेली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग बेसिस, और जब तक ये लेवल होल्ड कर पा रहा है 1140 से 1155 के रेंज हमें देखने मिल सकते हैं अपसाइड में। वहीं हमने सोयाबीन में भी 5200 से 5300 के बीच अच्छी सपोर्ट जोन बनते हुए देखी है, और अपसाइड में ऐसा लगता है कि 5800 से 6000 तक के लेवल हमें आने वाले 2 से 3 हफ्तों में देखने मिलेंगे। तो बाय ऑन डिप की रणनीति एक बार सोयाबीन में बनाई जा सकती है। कैस्टर सीड में भी हमने अच्छी तेज़ी आते हुए देखी है, 6800 के आसपास के स्तर हमें दिखने मिल सकते हैं। डाउनसाइड में 6200 जो है एक पोजिशनल सपोर्ट है, जब तक इस लेवल के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं तब तक जो रुझान है वो ऊपर की तरफ रह सकता है। 7200 का एक पोजिशनल लक्ष्य यानी 2 से 3 हफ्तों का एक टारगेट लेके चला जा सकता है। वहीं ग्वार सीड ग्वार गम में ज़बरदस्त तेज़ी हमने आते हुए देखी है, जो पिछले हफ्ते हमने लेवल डिस्कस किए थे 7000 के ऊपर के ग्वार सीड में और 13500 के ग्वार गम में, वो दोनों ही इस सप्ताह अचीव होते हुए दिखते हैं। और ऐसा लगता है ये जो तेज़ी है ये और एक्सटेंड हो सकती है। 7450 का नेक्स्ट लेवल हमें ग्वार सीड में और ग्वार गम में करीबन 14300 का एक स्तर देखने मिलेगा। तो डिप पे बाइंग करके चला जा सकता है दोनों ही काउंटर्स में। वहीं बिनौला कल की बात करें तो एक बड़ी सी रेंज में पिछले 2 या 3 महीनों में ट्रेड हो रहा है, और वो रेंज जो है निचले स्तरों के आसपास 2300 और अपसाइड में 2750 से 2800 के बीच हमें देखने मिली है। इसी दायरे के इर्द गिर्द ही प्राइसेस जो हैं वो घूमेंगी, और ऐसा लगता है कि अब जो डिप आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है, और जो टारगेट एरिया होगी वो 2750 से 2800 की ली जा सकती है। अगर उसके ऊपर भी प्राइसेस निकल गई तो 3050 का नेक्स्ट एक लेवल देखने मिलेगा। वहीं अगर धनिया की बात करें तो हमने लार्जली 8000 के ऊपर डेली क्लोजिंग आते हुए देखा है, और ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है ये 8600 से 8700 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो डिप पे बाइंग करना यहाँ भी संभव है, और 8700 तक के स्तर हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच देखने मिल सकते हैं। तो ये था एक जायज़ा कि एग्री कमोडिटीज़ में आने वाले सप्ताह में जो बाज़ार है वो किस तरह से हलचल कर सकता है।